Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो है 1952 के भारत के चुनावों के संदर्भ में कि किस तरह से 1952 का भारत का चुनाव हुआ, उसके पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी, उस समय नेहरू की क्या पॉलिसी अपनाई उन्होंने, पुरुषोत्तम दास टंडन जी और जयप्रकाश नारायण जी, किस प्रकार भारत का चुनाव लड़ा गया, 1952 का पहला जो चुनाव था आजादी के बाद में लड़ा गया, और उस लड़ने के पीछे किस तरह के फैक्टर्स, चुनौतियां सामने आई, उन सारी चुनौतियों और सारे जो तथ्यात्मक जानकारी है उसका थोड़ा अभाव वर्तमान समय में हमें देखने को मिलता है, उन पर हम विस्तृत रूप से आज का लेक्चर अपना आधारित होगा, इस पर हम बहुत विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों 1952 से उनको पहले जाएं, इसके कि चुनाव अपना देश जो है वो 1947 में आजाद हुआ, 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया और मार्च के महीने में सुकुमार सेन जी, सुकुमार सेन को मुख्य चुनाव आयुक्त अपॉइंट किया गया। इसके बाद अप्रैल 1950 में जनप्रतिनिधि कानून संसद में लाया गया। दोस्तों सुकुमार सेन जी को 1950 में मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, उसके बाद में जनप्रतिनिधि कानून को संसद में पारित करवाया। दोस्तों विरोधाभास या फिर अपन कहें इसे कि एक लंबी प्रक्रिया जो पहले चुनाव में जो सबसे जटिलता का जो काम था वो सुकुमार सेन जी के हाथ में था। उस समय की देश की आबादी, निरक्षर आबादी, जिसमें लगभग लगभग 80% या 85% तक लोग अशिक्षित हैं, उनका चुनाव करवाना, उनको जनप्रतिनिधि क्या होता है ये समझाना, उसके बाद में इतने बड़े स्तर पर इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए जो सबसे मेन चीज थी वो थी इतना प्रिंट, जिसको बैलेट पेपर छपवाना, या फिर लगभग लगभग 4500 सीटों पर, क्योंकि उसी समय 1952 का पहला जो चुनाव था वो पहली बार चुनाव देश में हुए, स्पष्ट रूप से चुनाव जो हुए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सभी कुछ इलेक्टेड नहीं थे, नॉमिनेटेड थे, उनको संसद के अंदर ही नॉमिनेटेड करके या फिर आम सहमति से बनाया गया था, उससे संसद चल रही थी हमारी, लेकिन पहली बार 1952 में इलेक्टेड करवाना है, सबको निर्वाचित होना है, निर्वाचित सदस्यों को विधानसभा या राज्यसभा में उन सबके अंदर उनको स्थापित करना है, उस पद्धति का सबसे जो अहम किरदार जो इस 1952 के चुनाव में जिन्होंने निभाया वो थे सुकुमार सेन जी। सुकुमार सेन का एक छोटा सा अपन परिचय देखें तो इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, और लंदन यूनिवर्सिटी
डर्बन यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट रहे, इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया। उसके बाद में आईसीएस की एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विस में आई है 1921 में। 1921 में इंडियन सिविल सर्विस में आने के बाद में इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की एज ए डीएम। उस समय का, इस समय जो जिसको कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, वो विभिन्न जगह पे डीएम रहते हुए उसके बाद में पश्चिम बंगाल में जिसे बोलते हैं मुख्य सलाहकार के रूप में रहते हुए, उसके बाद 1950 मार्च यहाँ पे लास्ट उनका ये पश्चिम बंगाल में रहे। उसके बाद में इन्होंने 19 मार्च 1950 में मुख्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी संभाली। इनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि इतनी बड़ी, एक तो इतना बड़ा तंत्र को विकसित करना है और पहली बार चुनाव करवाने हैं, तो इतना बड़ा तंत्र को एक्टिवेट कैसे किया जाए। लगभग 4500 जिनमें अपन 500 संसद का माने तो लोकसभा सीटों के चुनाव होने थे, और लगभग 4000 सीटें विधानसभा की, उन पर चुनाव होने थे। इतने सारे जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन कराना, उसके बाद में कहीं पे एक कैंडिडेट खड़ा होगा, दो कैंडिडेट खड़ा होगा, तो मतलब आप इसका डबल भी अपन आकलन करें तो लगभग 9-10 हजार आदमी जनप्रतिनिधि जो चुनाव में एक चेहरा रहेंगे, और लगभग 2 करोड़ लोग जो वोट देंगे उनका वोट को कलेक्ट करना, फिर तो उसकी गिनती करना, ये सारा काम सुकुमार सेन जी के हिस्से में आया। 1951 में ही नेहरू जी का ये मत रहा थोड़ा सा कि 1901 बसंत की जो बसंत ऋतु है उसके 1951 में हम चुनाव करवा रहे, उसके पीछे एक रीजन भी था, क्योंकि उस समय तक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु हो चुकी थी, गांधी जी की भी हत्या हो चुकी थी, इन दोनों के मध्य में कहीं ना कहीं। उसके बाद में दूसरी बात यह थी कि कांग्रेस का विभाजन होना चालू हो चुका था, क्योंकि उससे 1900 अपन इसकी परिणति के थोड़ा सा अपन पीछे जाएं कि नेहरू जी ऐसे क्यों चाहते थे कि चुनाव बसंत ऋतु के 1951 में ही हो जाए। इसमें एक थोड़ा सा पेच ये आता है कि कांग्रेस उस समय पर कहीं ना कहीं हिंदुत्व की ओर बढ़ रही थी। इसमें एक फैक्टर ये भी है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जिस समय पर रहे उस समय पर बहुत ज्यादा हिंदूकरण हुआ कांग्रेस का, और उस हिंदूकरण ने ही नेहरू जी को थोड़ा इसलिए व्यथित किया कि चुनाव को 1951 में ही संपन्न करा दिए जाए। और उस समय तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो दलित चेहरा थे कांग्रेस के लिए, वो भी अपना इस्तीफा दे चुके थे। तो सारा कुछ मिला के इस तरह से रहा कि नेहरू जी पे एक तरह से दबाव आ गया कि अब चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाए तो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि लोगों का भरोसा एक तरह से कांग्रेस से उठता जा रहा था, क्योंकि वो निर्वाचित सरकार नहीं थी, एक तरह से मनोनीत सरकार थी। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए नेहरू जी ये सोच रहे थे कि 1951 में ही चुनाव, बसंत ऋतु के 1951 में ही चुनाव संपन्न करा लिए जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो समझदारी जिसे सूझबूझ कहते हैं वो दिखाई सुकुमार जी ने। थोड़ा समय लिया और 1952 में चुनाव संपन्न कराने की ठानी। यहां दोस्तों एक जो मुख्य पेज जो फंसता है कि अपन इसकी थोड़ी बारीकी में पहले बात करते हैं
इसमें एक इंटरेस्टिंग आपको बात पता चले, बात मैं बताऊं आपको कि लगभग लगभग 28 लाख महिलाओं का नाम पहले चुनाव की सूची से काट दिया गया। काटने के पीछे एक जो रीजन जो सामने आया वो रीजन बड़ा ही बेतुका समझ लीजिए या फिर तुकबंदी वाला समझ लीजिए, उसे अजीब सा रीजन था कि महिलाएं उस समय पर सारी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन महिलाओं की निरक्षर थी, तो वो किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बेटी इस तरह से कहना ज्यादा पसंद करती थी बजाय अपना नाम लिखवाने के लिए, नाम खुद का नाम पर्टिकुलर बोलने के बजाय। तो उस समय पे क्या हुआ कि जब सबकी मतगणना की मतगणना दृष्ट बन रही थी, मतदान दृष्ट जब बन रही थी, तो कई सारी महिलाओं ने इस बात का विरोध किया कि उनका सीधा नाम लिखा जाए, फला देवी, फला श्रीमती, इस तरह से नाम लिखने के लिए उन्होंने थोड़ा सा वो संकुचित भावना की तरह से अपने आप को देखने लगी। तो इस वजह से 28 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो समस्याएं सुकुमार सेन जी के सामने आई उनका उन्होंने निराकरण किया। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी कि 85% जो मतदान करने वाली जनता है वो निरक्षर है इस समय। उस निरक्षर जनता को ना तो पार्टी का सिंबल किस तरह से बताया जाए, किस तरह से वो अपनी बात को आगे रख सकेंगी, किस तरह की मशीन या फिर बैलेट पेपर किस तरह से डेवलप किए जाए, तो ये सुकुमार सेन जी के साथ में बड़ी भयंकर विकट समस्याएं थी। लेकिन उन्होंने थोड़ी सूझबूझ समझदारी से इस समस्या को निराकरण किया। लगभग लगभग 25,000 क्लर्क हायर किए गए, 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए, 20 लाख इस्पात से बनी हुई लोहे की पेटियां जिनके अंदर बैलेट पेपर सुरक्षित रखा जा सके उनका निर्माण किया, 2,22,000 की समथिंग सुरक्षा बलों का रिजर्व किया गया ताकि वो सुरक्षापूर्ण मतदान करा सके, बैलेट पेपर कहीं लूट ना जाए, लूटमार की घटनाएं ना हो। तो ये सारा जो अरेंजमेंट है वो सुकुमार सेन जी ने किया। उसके साथ में लगभग लगभग 10 लाख वर्ग मील ने भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत की जो विविधताएं हैं, ऐसे देश में चुनाव कराना है जहां पर एक समय पर ही कहीं पर सर्दी है, कहीं पर बसंत का मौसम है, कहीं सुदूर दूर इलाके हैं जहां पर सड़कें हैं, आवागमन संचार की सुविधाएं बहुत कम है। ये 2020 का समय है जब हम बात कर रहे हैं, वो 1952 का समय था जब संचार की व्यवस्थाएं कम्युनिकेशंस बहुत कम है, जबकि हम ये मानते हैं कि आज भी कई ऐसी जनजातियां, ऐसे ट्राइबल्स या फिर ऐसी जिले राज्य वगैरह हैं जहां पर अभी भी कम्युनिकेशंस का माध्यम बहुत कम आता है। तो एक ऐसे समय पर चुनाव किस प्रकार से संपन्न कराए जाए, ये बहुत बड़ी एक दुविधा देश के सामने थी और सुकुमार सेन जी के सामने थी। अब अपन इसकी थोड़ी बारीकियों को समझेंगे कि किस प्रकार से चुनाव हुआ, क्या इसमें किसने पार्टियों ने भाग लिया, किस प्रकार से नेहरू जी ने प्रचार किया, किस प्रकार से अन्य पार्टियों ने प्रचार किया, किस प्रकार से सुकुमार सेन जी ने बूथ पर अरेंजमेंट किया, किस प्रकार से पार्टी ने सिंबल स्थापित किए, इन सभी बारीकियों का अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में।